इनके लब रंगी अच्छा एक सवाल है इस्लामी बहन का, इन्होंने पूछा है कि घर में इस्लामी माहौल बनाने का क्या तरीका है, घर में इस्लामी माहौल कैसे बनाया जाए। देखिए इस्लामी माहौल बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो शख्स इस्लामी माहौल बनाना चाहता है वो ख़ुद जो है शरीयत के मामलों पर जो है ना वो अमल करे। मसलन ये कि नमाज की पाबंदी वो शख्स ख़ुद करे, इसी तरह शरीयत की पाबंदी वो ख़ुद करे, गुनाह से बचने की पाबंदी वो ख़ुद करे, गाने बाजे ना देखने की, टीवी फिल्में ड्रामे ना देखने की, टिकटॉक यूट्यूब वगैरह इस पे अपना वक्त ख़राब ना करने की, उसमें गाने वगैरह ये सब चीज़ें ना देखने की कोशिश पहले वो ख़ुद करे। उसके बाद घर के अंदर धीरे धीरे दर्स का माहौल शुरू करे, यानी कोई एक मुकर्रर वक्त तय करे कि जिसके अंदर घर के कामकाज से ख़वातीन जो हैं वो फ्री हो जाएं, और वो जिसको हिंदी या कोई ऐसी भाषा पढ़नी आती है उसी ज़ुबान की जो है वो किताब लेके सबसे पहले लोगों के अकायदों की इस्लाह करे, अमाल की इस्लाह करे, उनको नेकी का दावत नेकी की दावत दे। तो अगर एक दर्स का सिलसिला एक मुकर्रा वक्त पे शुरू हो जाएगा घर में तो इंशाल्लाह ताला माहौल जो है वो वापस नेकी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला किरदार तो अपना ख़ुद का होना चाहिए कि वो गाने बाजे फिल्मों ड्रामों से महफूज रहे, और इस तरीके के चाहे वो मोबाइल पर देखना हो या टीवी सीरियल जो है ना टीवी के अंदर देखना उससे बचे, नमाज की खुद पाबंदी करे, अगर इस्लामी बहन है तो पर्दे की खुद पाबंदी करे, ये सारे मामले करे। तो फिर अपने छोटों को धीरे धीरे ताकीद करे, फिर बड़ों से बात करे कि घर के अंदर दर्स का सिलसिला शुरू करते हैं, मैं दर्स दूंगी या फिर मैं किताब पढ़ूंगी आप सब लोग सुनना, धीरे धीरे उनको छोटी छोटी स्टोरी कहानी इस्लामी माहौल में आने की सुनाई जाए, और जब ऐसा मामला हो जाए तो उनको धीरे धीरे अमल करने की तरगीब दिलाई जाए। तो अगर ख़ुद गुनाह से बचेंगे दूसरों को बचाएंगे, गुनाह और अजाब के मामलात से उनको जो है वो आगाह किया जाए, गाने बाजे फिल्में ड्रामों से क्या क्या मामले होंगे कब्र में इससे आगाह किया जाए, और कोई भी एक ऐसी किताब के जो आपको समझने समझाने में आमाल के हिसाब से अच्छी हो, लोगों की नेकी की दावत में आम करने में मदद हो, ऐसी कोई भी किताब आप घर में उसका जो है ना दर्स दे के शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ना माहौल शुरू हो जाएगा घर के अंदर, अगर आप कोशिश करें अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आसानी हो जाएगी।